करने वाली हूँ मूली की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और स्वाद में बहुत बेहतरीन है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 3 मूली। सबसे पहले मूली को कद्दूकस कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने कॉटन का कपड़ा यूज किया है। आप कॉटन मलमल का कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको दबा दबा कर इसमें के पूरे पानी को निकाल लेना है। देखिए कितने सारे पानी निकल रहे हैं मूली से। इस पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस पानी का इस्तेमाल सब्जी बनाने में, कढ़ी बनाने में कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मूली में से एक्स्ट्रा पानी को मैंने निकाल दिया है। यह बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे नमक, 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हल्के हाथों से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करना है, नहीं तो पानी छोड़ने लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने मसाला तैयार कर लिया है और आटे का सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। इतनी बड़ी एक लोई बना लेंगे। सूखे आटे की हेल्प से एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। देखिए मैंने बेल करके एक पतली सी रोटी तैयार कर ली है। अब इसमें लगाएंगे देसी घी। देसी घी को चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। अब 2 चम्मच इसमें मसाले को डालेंगे। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। अब मसाले को अच्छे से इसमें फैला लेंगे। इस तरीके से मैंने मसाले को ट्रायंगल शेप में फैला दिया है। अब इस तरीके से इसको बनाएंगे। इस तरीके से मैंने इसको ट्रायंगल शेप दे दिया है। अब इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिएगा, नहीं तो ये फट जाएगा। देखिए फ्रेंड, इसको मैंने बेल कर तैयार कर लिया है। अब तवे पर लगाएंगे देसी घी। तवे पर मैंने घी लगा दिया है। तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें पराठे को डालेंगे। पराठे को पलट करके दूसरे साइड पर अच्छे से सेक लेंगे। उलट पलट कर इसको अच्छे से ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए फ्रेंड, इसमें कितना अच्छा सुनहरा रंग आ गया है। इसको दबा दबा कर अच्छे से सेक लेना है। देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से मैंने पराठे को अच्छे से सेक लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा पराठा तैयार हो गया है। अब इसमें लगाएंगे थोड़ा सा बटर। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी इसे ट्राई करें। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरीके की इजी एंड क्विक रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।